नमस्कार, डेली वर्ल्ड टीवी में मैं अजीत चक आपका स्वागत करता हूं। क्या प्रोहिबिशन या नशेबंदी लागू करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? कल से चर्चा चल रही है पूरे यूपी में कि योगी आदित्यनाथ शायद बिहार के मॉडल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कर दें। बिहार में और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा फर्क है। उत्तर प्रदेश का एक कॉमन बॉर्डर है दिल्ली के साथ और दूसरा कॉमन बॉर्डर है हरियाणा के साथ। दोनों स्टेट्स में शराब का रेट उत्तर प्रदेश की शराब के रेट से बहुत कम है। आज की तारीख में भी हरियाणा से और दिल्ली से शराब स्मगल करके उत्तर प्रदेश ली जाती है। ऑर्गेनाइज ढंग से शराब के स्मगलर ट्रकों में उत्तर प्रदेश हर महीने शराब पहुंचाते हैं, क्योंकि शराब के दाम में पर बॉटल बहुत ज़्यादा फर्क है। जो बोतल 300 या 400 या 200 रुपए की पड़ती है हरियाणा में, वही बोतल 500 1000 रुपए की बिकती है उत्तर प्रदेश में, और जो 1000 रुपए की पड़ती है वो 2500 या 3500 की बिकती है लखनऊ में। तो किसी भी उत्तर प्रदेश निवासी की कोई पार्टी होती है या फंक्शन होता है जिसमें उसको लार्ज स्केल पे शराब की ज़रूरत होती है, तो वो स्मगल्ड शराब ही खरीदता है। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के एक्साइज डिपार्टमेंट को है, इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को है, और बिना उनकी मिली भगत के लोग कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि इतने लार्ज स्केल पर ट्रकों में लाद के सामान यूपी पहुंचाया जाए। सबसे पहले तो यह है कि यूपी की शराब एक कार्टेल यानी कि एक आदमी की मोनोपोली है। इस मोनोपोली को तोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, नशाबंदी करने से केवल क्राइम बढ़ेगा और फैलेगा, क्योंकि जो पैसा राजस्व में या सरकारी खजाने में जाना चाहिए टैक्स के रूप में, वो माफिया की जेब में जाएगा। पिछली बारी जब पूरे हिंदुस्तान में मुरारजी देसाई ने प्रोहिबिशन किया था, तब भी नकली शराब और स्मगल्ड शराब चली थी, और नकली शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। प्रोहिबिशन करने से पहले 4 बारी सोच लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में प्रोहिबिशन लागू करने से पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो रेवेन्यू का लॉस होगा उत्तर प्रदेश के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा।